नमस्कार, स्वागत है आपका द नेटिजन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। ये रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। यूपी के फर्रुखाबाद में थाना कंपिल क्षेत्र में स्वाट टीम और कंपिल थाना पुलिस की संयुक्त टीम को मिली बड़ी सफलता। जहां मुख्यालय स्थित फतेहगढ़ पुलिस लाइन सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक अजय प्रताप सिंह ने किया खुलासा, 2 दर्जन से अधिक बने व अधबने अवैध तमंचा व तमंचा बनाने वाले उपकरण पुलिस ने पकड़े हैं, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ने में कंपिल थाना पुलिस और सार्ट टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 14 अदद देसी तमंचे हैं, 315 बोर व 2 अदद तमंचा 12 बोर। इसके अलावा जो जिन उपकरणों से ये शस्त्र बनाया जाता है वो सारे उपकरण बरामद हुए हैं। बजाज प्लेटिना एक मोटरसाइकिल मिली है, जिसके क्रम में हमारे कंपिल थाने पर अभी वो पंजीकृत किया गया है और हम भी विचार। सर, क्या ये पंचायती चुनाव के चलते पंचायत चुनाव में इस्तेमाल होना तय कर गया? देखिए, ये सारी चीज़ें विवेचना का विषय है। इन आयुधों का इस्तेमाल, इन तमंचों का इस्तेमाल कहाँ होना था, बिक्री के लिए होना था या कहाँ जाना था, ये चीज़ें हम विवेचना के क्रम में पता लगाएंगे और उस पर नियमानुसार कार्यवाही करेंगे। सर, आरोपी कितने पकड़े गए, कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? ये जंगल कटरी है, सिरसा थाना कंपिल, वहाँ इन लोगों का ये पकड़े गए हैं वहाँ से। और 2 व्यक्ति इनमें गिरफ्तार किए गए हैं जो इसमें संलिप्त थे। आरोपियों का है, देखिए हम तो विवेचना के क्रम में साक्ष्य एकत्र करेंगे और जिसके जिसके पास से, जिसके कब्जे से बरामद होता है ये शस्त्र बरामद होते हैं, हम उन्हें आरोपी मानते हैं। हमारा ये भी कहना है कि कभी भी आरोपी अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को प्रत्यक्ष तौर पे स्वीकार करना नहीं चाहता है, लेकिन ये सारे जो तमंचे आपके सामने मौजूद हैं ये स्वयं कह रहे हैं कि साहब हमें अवैध ढंग से बनाया गया। कब से बना रहे थे ये लोग? ये सारी चीज़ें विवेचना का विषय है, हम विवेचना के क्रम में सारी चीज़ें। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, कोई इनका आपराधिक इतिहास है क्या? इसको हम बताएं तो विवेचना के क्रम में पता लगाएंगे। नहीं, सब विवेचना ही नहीं है तो हम क्या बताएंगे? आप लोगों को जो बताना है वो बता रहा हूँ। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।